Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास आईटेल का S23 है और आप इस फोन में ऐप्स को हाइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं इस फोन के अंदर ऐप्स को हाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं। इस फोन में ऐप्स हाइड करने के लिए देखने को मिलेगा फोन मास्टर एप्लीकेशन, जिसको सर्च कर लेना है। सर्च करने पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा फोन मास्टर एप्लीकेशन, करना क्या है इसको सर्च करके करना है आपको ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होता है। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, जिसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में हाइड, सिंपल आपको हाइड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप कोई एक्सेस कोड बना सकते हैं जो कि आपका प्राइवेसी पासवर्ड रहेगा। तो यहां पे आपको पहले हैश टाइप करना है, कोई भी आप मर्जी चाहे अपना कोड आप डाल सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे कुछ इस तरह से सेट कर लिया है, आप जो भी सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। एंड यहां पे आपको जो भी लॉक डाला हुआ है वो आपको दिखाया जाता है। आई रिमाइंडर पर आप क्लिक करेंगे और यहां स्किप पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद अगर आप ऐप्स को हाइड करना चाहते हो तो हिडन ऐप्स पर क्लिक कीजिए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको वो ऐप्स देखने को मिलेंगे जिनको इस फोन के अंदर आप हाइड कर सकते हो। इनमें से किसी ऐप्स को अगर आप हाइड करना चाहते हो उसके ऊपर इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। जो भी हाइड होगा वो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जिसको भी हाइड करना है फिर से प्लस के आइकन पर जाइए, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, कन्फर्म कीजिए, ये फिर से हाइड हो जाता है। अब इनको यूज करने के लिए आपकी जो होम स्क्रीन रहेगी यहाँ पे आपको आ जाना है, टू फिंगर से इस तरह से आपको अप करना पड़ेगा, आपके सामने लॉक आएगा, सिंपल अपना वो लॉक डाल दीजिए जो भी आपने इसके लिए बनाया था। डालते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, हिडन ऐप्स पर क्लिक करके आप आपको इनको इस तरह से आके एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप अनहाइड करना चाहते हो तो उसके ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए जिसको आप अनहाइड करना चाहते हो। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा और एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा तो ये अनहाइड हो जाता है। तो सिंपल इस तरह से आप इस फोन के अंदर अपने ऐप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ऐसे करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।